लुढ़कने, रोल और सरकने, स्लाइड वाली वस्तुओं को पहचानने में होने वाली सामान्य गलतियाँ। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं को पहचानना। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी वस्तुएं जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। छोटू और पिंकी की आज संगीत की क्लास है। छोटू ढोलक बजाना सीख रहा है और पिंकी बांसुरी बजाना। संगीत सिखाने वाले सर ने क्लास के बीच में उन दोनों को अभ्यास करने के लिए कुछ समय दिया। छोटू, मुझे भी ढोलक बजाना है, मुझे भी दो। पिंकी, यह ढोलक तो लुढ़क रही है। हाँ छोटू, इसकी ये सतह गोलाकार है ना, इसीलिए। कुछ देर बाद पिंकी की नजर दूसरी ढोलक पर पड़ी। अरे छोटू, ये देखो, ये वाली ढोलक को हम सरका भी सकते हैं। हाँ पिंकी, तुमने सही कहा। इसका मतलब ढोलक एक तरफ से गोलाकार है और दूसरी तरफ से गोलाकार नहीं है। गोलाकार सतह से ढोलक लुढ़केगी और जो सतह गोलाकार नहीं है उस सतह से ढोलक सरकेगी। इसका मतलब इस ढोलक को हम सरका भी सकते हैं और लुढ़का भी सकते हैं। ठीक कहा तुमने पिंकी। चलो अब तुम बांसुरी बजाओ और मैं ढोलक बजाता हूँ। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से एक ही वस्तु सरक भी सकती है और लुढ़क भी सकती है। छोटू और पिंकी संगीत की क्लास से घर वापस आने के बाद कुछ और ऐसी वस्तुएं देखने लगे जिन्हें हम सरका भी सकते हैं और लुढ़का भी सकते हैं। हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, आइए देखें इनमें से कौन सी वस्तु लुढ़कती है और कौन सी वस्तु सरकती है। ये है कंचा। ये केवल लुढ़क सकता है क्योंकि इसकी सतह गोलाकार है। ये है डिब्बा। ये केवल सरक सकता है क्योंकि इसकी कोई भी सतह गोलाकार नहीं है। अब देखते हैं इस टिन के डिब्बे को। ये सरक सकता है क्योंकि इसकी सतह गोलाकार नहीं है और साथ में ये लुढ़क भी सकता है क्योंकि इसकी यह सतह गोलाकार है। और बच्चों, ये है तरबूज। ये गोलाकार है, इसका मतलब ये लुढ़कता है। तो बच्चों, आपने देखा कि कुछ वस्तुएं सरक भी सकती हैं और लुढ़क भी सकती हैं क्योंकि उनकी कुछ सतहें गोलाकार होती हैं और कुछ सतहें गोलाकार नहीं होती। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा ऐसी वस्तुओं के बारे में जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों।